हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से विश करती हूँ आप सब लोग अच्छे रहने चाहिए। सो फाइनली मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और आज तो मतलब साइक्लोन था चेन्नई में, जैसे बताया था मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, तो मौसम काफ़ी साफ है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है चेन्नई का, धूप निकल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद धूप निकली है। तो दोस्तों, आपने देखा कि चेन्नई का मौसम अब कैसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कल ना एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। कल ना मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे ना, तो जब वापस लौट के आ रहे थे ना, तो एक एक्सीडेंट हो गया। एक गाय जो है वो बीच में आ गई और इनकी गाड़ी की और गाय की टक्कर हो गई। तो कल इनका मन भी वैसे बहुत ख़राब था, क्योंकि जब ये मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे थे ना, तो इन्होंने एक अपने सामने ही लाइव एक्सीडेंट देखा। और वो जो बंदा है वो ऑन द स्पॉट ही ऐसे वहीं पर ही मतलब उसकी डेथ हो गई। तो इनका मन जो है बहुत परेशान था। इन्होंने फ़ोन करके भी बोला कि नव्या, आज मैंने ऐसे ऐसे हो गया और मन बहुत परेशान हो रहा। मैंने कहा चलो अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, आपको टेंशन मत लेना और धीरे मतलब नॉर्मली धीरे धीरे ड्राइव करके आना। तो जब ये वापस आ रहे थे ना, तो शाम को जब वापस आ रहे थे, तो शाम को जो है एक गाय बीच में आ गई और ना टक्कर हो गई ऐसे गाय की। और खैर, भगवान का शुक्र है कि इनको चोट नहीं लगी है। और ये जो है मतलब जो गाड़ी है, गाड़ी का थोड़ा आगे का जो हिस्सा है वो काफ़ी मतलब डैमेज हो गया है। अब वो जो है सर्विस के लिए देने जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है, जो ड्राइविंग है बहुत धीरे करें, क्योंकि आजकल जो है रोड पे कोई कैसे चलाता है, किसी का भरोसा कुछ नहीं है। ये बस अपना नॉर्मल ड्राइविंग जो है ठीक से करें और कम स्पीड पे करें। तो दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि गाड़ी का क्या हाल हो रखा है। तो दोस्तों, अब जो है नीचे जा रहे हैं और दिखाते हूँ आपको। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से ऐसे डैमेज हो गया है ये। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, तो मैं ना आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप जब भी ड्राइविंग करें वो स्लो करें, आगे पीछे देखकर करें, क्योंकि हम लोग अगर ठीक से चलाते हैं तो दूसरे का भरोसा नहीं है कि वो कैसे ड्राइविंग करे, किस तरीके से ड्राइविंग करे। सो, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा जो है ड्राइविंग करें, ध्यान से करें, क्योंकि चीज़ों की जो इतनी कीमत नहीं है जैसे इंसान की जान की कीमत है। ठीक है ना, इंसान की जान बहुत महत्व रखती है इस चीज़ में, क्योंकि एक बंदे से ही ना पूरा घर बेकार हो जाता है। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी हो। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बी सेफ एंड ड्राइविंग भी सेफ तरीके से करें। तो अभी तो ये गाड़ी सर्विस के लिए जाएगी, तो इसलिए हम ये गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए दूसरी गाड़ी यूज़ करेंगे, वो भी साफ़ करनी है। ये देखिए कितनी गंदी होके रखी हुई है, अभी उसको भी साफ़ करना है थोड़ा। ये देखिए कितनी गंदी हो रखी है ये गाड़ी भी, बारिश की वजह से जो है इतना साफ़ ही नहीं हो पाई है। अभी इसको भी साफ़ करना पड़ेगा अभी। तो आज ना हमारे यहाँ पर गार्डन में ना नीचे सफाई हो रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, ये गार्डन जो है पूरा एकदम साफ कर देंगे। ये देखिए कैसे साफ कर रहे हैं। मैं भी धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मेरे को अभी फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको दिखाई दे। कितने दिन से साइक्लोन था और अब फाइनली बारिश भी बंद और साइक्लोन भी बंद है। ये देखिए पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे छोटा सा आम का पेड़ है। हमें जब भी पूजा के लिए चाहिए था, हम यहीं से आम के जो पत्ते हैं तोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं पर बहुत दूर मिलते हैं एकदम। ये देखिए
और देखिए ये वाला जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था ना पहले, कि इस पर कितनी सारी पत्तियाँ थी, सब झड़ गई। अब देखिए इस पर छोटी छोटी पत्तियाँ जो है आ रही हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो मैं अब ऊपर आ चुकी हूँ दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, और मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर दोस्तों।